Life is all about energies. Experience spirituality the mystical and medical way with Dr. Amod Sachan. कमर सीधी, मन शांत, आंखें आधी खुली आधी बंद, सामने नीला आकाश, अनंत आकाश, हिमाच्छादित पर्वत, लहराता हुआ समुद्र, अनंत प्रकृति के बीच में उगता हुआ सूर्य, इसके बीच में अपने ध्यान को सब तरफ से हटाकर अपने आप में केंद्रित करें। प्रकृति के मध्य पर मस्तक के बीचों बीच ध्यान को ले जाएं और गहराई से देखें एक चमकता हुआ सितारा। यह सितारा सातों आत्मिक ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है। एक चमकती हुई ज्योति। इसको गहराई से देखें, यह ही आत्मा है। यह जो चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है, यह इसी आत्मा का वही प्रक्षेपण है। यह जीवनदायिनी शक्ति जो सातों आत्मिक ऊर्जाओं को अपने अंदर संग्रहित किए हुए है, इस शरीर को चलाती है, इस शरीर के एक एक अंग में प्रवाहित होती है, एक एक कोशिका को जीवंतता प्रदान करती है। यह ही आत्मा है। इस जीवनदायिनी शक्ति को अपने शरीर की एक एक कोशिका में अनुभव करें। देखें कि कैसे इस शरीर को यह चला रही है। हमने कभी अपने आप को जानने का प्रयास ही नहीं किया। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं। देह के भान में हम इस आत्मिक शक्ति को भूल गए हैं। अब फिर से अपने आप को याद दिलाएं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर की मालिक जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं। जब तक यह जीवनदायिनी शक्ति इस शरीर के अंदर रहती है, यह इसको जीवंतता प्रदान करती है। जब यह शक्ति इस शरीर से बाहर चली जाती है, यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। अपने आप को पहचाने, अपनी सत्यता को पहचाने। यह आत्मा ही सत्य है, बाकी इस संसार में सब कुछ भ्रम है, यह शरीर भी भ्रम है जो नष्ट हो जाने वाला है। अब इस आत्मिक शक्ति को पहचानने के लिए हम इस शरीर की उस क्रिया को अपने ध्यान में लाते हैं जो पूरे आजीवन हमारे साथ रहती है।
और वह है इस शरीर की श्वासें। इन श्वासों को जागृत अवस्था में लें। हमने कभी अपनी श्वासों को देखा ही नहीं, अज्ञानता में पूरी सांसें ली हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। देखें यह श्वास दाई नासिका से आ रही है या बाई नासिका से आ रही है या दोनों नासिकाओं से आ रही है। बस इसको देखना है, करना कुछ भी नहीं है या किसी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं है। सिर्फ मन को इन सांसों पे लगाएं। श्वास ठंडी है कि श्वास गर्म है, श्वास गीली है कि श्वास सूखी है, देखें। इस श्वास में ही मेरा जीवन है। इस जीवन का अनुभव करें। यह श्वास साधारण अवस्था में बहुत धीरे धीरे चलती है। जब हम असामान्य अवस्था में होते हैं, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, मोह में, अहंकार में, श्वासों की गति बढ़ जाती है। यह श्वास मन के अंदर उत्पन्न होने वाले मनोभावों को प्रतिपादित करती है। ये उसी का फल है। जैसे मन के विचार होते हैं वैसी ही सांसों की गति हो जाती है। जब हम क्रोध में होते हैं सांसें आंधी की तरह चलने लगती हैं। इन सांसों को देखें। देखें सांस नासिका के किस पटल को छू रही है। सांस नासिका के अंदर वाले छल्ले को छू रही है या बाहरी छल्ले को छू रही है। सांस ऊपरी होठों के ऊपर वाले पार्ट में कहां पर छू रही है उसको अनुभव करें। यदि शुरुआत में अनुभव न हो तो सांस थोड़ी सी तेज कर सकते हैं, लेकिन फिर सामान्य कर लें। जब आप गहनता से सांस को देखेंगे आपको एक एक सांस दिखाई देगी, अनुभव आएगी। अब देखें नासिका के अंदर किस प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं। वहां पर खुजली है, झुरझुरी है, फुरफुरी है, दर्द है, खुजली है, कैसा भी कुछ भी हो रहा हो उसको देखें। ये संवेदनाएं भी मेरे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों का ही परिणाम है। यह हमारे अंदर एक एक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी का परिणाम है कि इस तरह से संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। इन संवेदनाओं को अनुभव करें। देखें कैसी संवेदना उत्पन्न हो रही है। ये सारी संवेदनाएं यदि आप थोड़ी देर इनको देखेंगे तो ये नष्ट हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये संवेदनाएं मेरे मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों की परिणति हैं। उन विचारों को हम परिवर्तित नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे ही संग्रहित जो विचार हैं, जो मेमोरीज हैं, उनके कारण से पैदा होते हैं। इसलिए उनमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। लेकिन
संवेदनाओं की क्षण भंगुरता को देखते हुए हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं, मन के विकारों को नष्ट कर सकते हैं। ये संवेदनाएं क्षण भंगुर हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, हर पल बदलती रहती हैं, हर पल चेंज होती रहती हैं। इन संवेदनाओं से कैसी आसक्ति या कैसी विरक्ति, कैसी क्रेविंग, कैसे एवल्जन, ये संवेदनाएं जो नष्ट हो जाने वाली हैं, क्षण भंगुर हैं, इसके अनित्य भाव को महसूस करें। इस अनित्य बोध के साथ हर संवेदना को अनुभव करें और ये अपने आप को याद दिलाएं कि सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, सब कुछ बदल देने वाला है। इस शरीर के अंदर हर पल एक नया रिएक्शन हो रहा है, हर पल शरीर में कुछ ना कुछ बदल रहा है, हर सेल में कुछ ना कुछ बदल रहा है। हम धीरे धीरे नष्ट होने की तरफ बढ़ रहे हैं, अंत में यह शरीर ही पूरा नष्ट हो जाएगा। इसके प्रति कैसी आसक्ति, कैसा द्वेष, जो हमारा है ही नहीं, उसके प्रति इतनी गहरी आसक्ति के कारण हम दुख भोग रहे हैं। इन सभी विकारों से मुक्त होकर ही हम अनंत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अब अपने ध्यान को प्रकृति के मध्य में ले जाएं और आत्मा के आसन पर अपने आप को अनुभव करें। मस्तक के बीचों बीच प्रकृति के मध्य में जो आत्मा का स्थान है वहां पर अनुभव करें। अब बुद्धि के माध्यम से इस आत्मा को परम धाम की यात्रा पर ले चलें, प्रभु मिलन हेतु परम धाम की यात्रा में चलते हैं। इस शरीर से बाहर ग्रह नक्षत्रों के बीच से इस आसमान के ऊपर और ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं एक सफेद सूक्ष्म लोक है। इस सूक्ष्म लोक में वे आत्माएं जो अपने आप को अपने जीवन काल में पूर्ण रूप से परिमार्जित कर चुकी हैं विराजमान हैं। वे संसार के कल्याण हेतु यहां पर तपस्या लीन हैं। वे सभी आत्माएं, देव आत्माएं, इस पूरी मानवता के कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। यहां से और ऊपर चलते हैं और ऊपर तो एक लाल सुनहरा लोक है, परम धाम। यहां पर मेरा परम पिता परमात्मा यहां निवास करते हैं। उन सभी आत्माओं के साथ जो 800 करोड़ आत्माएं इस धरती पर हैं, वो सब अंतोगत्वा इसी परम धाम में निवास करेंगी। मेरा पिता परम पिता परमात्मा मेरी ही तरह एक सूक्ष्म बिंदु है, ज्योति बिंदु। वो यहां पर हम सभी आत्माओं के कल्याण हेतु सबको आशीर्वाद दे रहा है। मेरा पिता परम पिता हम सब आत्माओं का पिता, वो प्रेम का सागर है। हम सभी आत्माओं को समान रूप से प्रेम दे रहा है। वो शांति का सागर है,
अनंत शांति वहां पर विद्यमान है, करुणा का सागर है, दिव्य है, पवित्र है, अद्भुत है। हम सभी आत्माओं के कल्याण हेतु स्वाशीष दे रहा है, सुखों का सागर है, आनंद का सागर है। हम सब आत्माओं को सुख और आनंद से परिपूर्ण कर रहा है। मैं परमपिता परमात्मा के साथ बैठा हूं, उनसे ये सभी शक्तियां और गुण ग्रहण कर रहा हूं। मैं स्वयं प्रेम स्वरूप होता जा रहा हूं, मैं स्वयं शांति स्वरूप हो रहा हूं, मैं पवित्रता ग्रहण कर रहा हूं, सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप हो रहा हूं, मैं आनंद में हिलोरे ले रहा हूं। इस परम धाम में कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना आनंद है। ये मेरे पिता का घर है। हम सब भूल चुके थे, इन गुणों को ग्रहण करने के बाद अब मेरे अंदर वे सभी शक्तियां प्रकट हो रही हैं जो मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने इस संसार में जीवन को चलाने हेतु मुझे प्रदान की हैं। परखने की शक्ति अब मेरे मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं बचा है, इसलिए परखने की शक्ति पूर्णता विकसित हो गई है। निर्णय करने की शक्ति भी उसी के साथ मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। अब मैं किसी भी समस्या को, कठिन से कठिन समस्या को सह सकता हूं, समा सकता हूं, फेस कर सकता हूं, सहजतापूर्वक उसका सामना कर सकता हूं, इस संसार की सभी आत्माओं के साथ सहयोग ले सकता हूं, सहयोग से काम कर सकता हूं, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को बहुत ही हल्की समझकर ईश्वर की मदद से उससे पार पा सकता हूं। इन सब गुणों और शक्तियों को ग्रहण करने के बाद ईश्वर से एक रूप करने की शक्ति भी परमपिता परमात्मा हमको प्रदान करते हैं। मैं अपने पिता का राजकुमार हूं, इन सभी गुणों और शक्तियों से भरपूर होकर अपने आप में आनंदित हो रहा हूं। अब मैं ईश्वर से सभी गुण और शक्तियां ग्रहण करते हुए वापस पृथ्वी लोक में आने के लिए शुरू होता हूं। सभी तारामंडल ग्रहों के बीच से होते हुए आसमान के नीचे बादलों को पार करते हुए इस शरीर में मस्तक के बीचों बीच प्रकृति के मध्य में विराजमान होता हूं। अब मैं सभी काम ईश्वर के दिए हुए निर्देशों के अनुसार करूंगा। अब कोई भी विकार नहीं जनित होगा। मैं किसी भी तरह से ईश्वरीय गुणों से अपने आप को परिपूर्ण करूंगा, सिर्फ आत्मिक बोध में जीवन यापन करूंगा। इस संसार की सभी आत्माएं मेरे सगे भाई बंधु हैं। मैं अपनी पुण्य तपस्या के जो फल हैं उनको सभी के साथ बांटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धर्म दिया है उनका मंगल।
जन्म दिया है उसका मंगल हो रे, पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखिया रे प्राणी का मंगल हो रे। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सबका